हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो ये हमारा परसेंटेज का थर्ड लेक्चर है और इसमें हम जो है वो आगे बहुत ही शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप जो है वो समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ पर कुछ समझाने की आपको कोशिश करूँगा। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है। इससे पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें पहले देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें जो है वो डायरेक्ट जो है वो लिखने वाला हूँ, तो जो आपकी समझ में शायद ना आए, तो इसीलिए दोनों वो लेक्चर हैं। पहला लेक्चर मोस्टली जो है आप ज़रूर देखना। ओके, तो यहाँ पर आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, सीधा करते हैं, जहाँ से हमने क्वेश्चन छोड़े थे वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमने यहाँ से यहाँ तक कर लिए थे, ये वाला दो उम्मीदवार वोट का क्वेश्चन था। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, देखिए हम समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक छात्र को 23 प्रतिशत अंक मिले हैं और 28 अंकों से असफल रहा, दूसरे छात्र को 35 प्रतिशत अंक मिले और 20 अंकों से पास हो गया, तो निम्न बताइए। ये तीनों ही चीज़ें हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे, क्योंकि इनमें से जो है वो एक एग्जाम में पूछ ली जाती है। चाहे आपसे मैक्सिमम नंबर पूछा जा सकता है, या पासिंग परसेंटेज पूछा जा सकता है, या फिर पासिंग मार्क्स पूछे जा सकते हैं। ओके, तो हम तीनों को जो है वो इसी क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज़ होती है वो 100% होती है, 0 से 100%, और नंबर या परसेंटेज कभी भी कोई आप मार्क्स लेते हो, कोई एग्जाम देते हो, तो उसमें जो है वो मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं। ओके, या फिर कहा जाए परसेंटेज में, तो मिनिमम पासिंग परसेंटेज होती है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर जो है वो पासिंग मार्क्स हैं या पासिंग परसेंटेज हैं। तो इससे पहले जो है वो पहला छात्र है वो 23 प्रतिशत अंक लाता है, तो वो क्या होता है, 28 अंकों से असफल रह जाता है। ओके, अगर वो 28 अंक और ला देता तो वो पास हो जाता। वहीं अगर अब दूसरे छात्र की बात करें, तो यहाँ पर 35% अंक लाता है, लेकिन वह 20 अंकों से पास हो जाता है, यानी 20 अंक जो पासिंग मार्क्स है उससे 20 अंक और ज़्यादा ला देता है। तो ये इनके बीच का डिफरेंस जो है वो यहाँ से जो है वो 20 अंक अगर हम पीछे जो है, तो पासिंग मार्क्स यहाँ पर हमने माना चला है ये पासिंग मार्क्स हैं। अब आप देखोगे यहाँ पर कि इन दोनों में परसेंटेज का डिफरेंस कितना है यहाँ पर, तो 23 में से अगर 35 जाएंगे यहाँ पर, तो देखिए 7 5 12, ये 12% है। ओके, 12% है, और 12% यहाँ पर अगर हम इन दोनों का देखें, तो ये 28 है और ये 20 है, तो इन दोनों को अगर जोड़ देंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ये, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 48। तो यहाँ पर देखोगे ये 12% जो है वो 48 के बराबर है। तो बस यहाँ से देखोगे हमारा जो है वो 12% बराबर हो जाएगा 48। तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो देखिए मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, 1% की वैल्यू हो जाएगी 12 चौक 48। ठीक है, 1% की वैल्यू 4 है, तो जाहिर सी बात है जो 100% है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। तो 100% जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे हमारे 400। तो देखिए मैक्सिमम मार्क्स हमें पता पड़ गए 400 हैं। अब यहाँ पे अगला क्या पूछा है, पासिंग परसेंटेज। अब आपको पता है कि 23% ला रहा है, लेकिन वो 28 मार्क्स से जो है वो फेल हुआ जा रहा है। तो 28 मार्क्स आपके कब आएंगे, कब आएंगे, आप खुद सोचिए। 1% की वैल्यू जो है वो 4 है, 28 मार्क्स लाना है, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे जो है वो 28 मार्क्स मिल जाएंगे, जो कि किसके बराबर है, 7% के बराबर है। तो 7% बराबर हो जाता है 28, जो कि हमें 28 मार्क्स चाहिए, लेकिन हमें परसेंटेज में चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है पासिंग परसेंटेज। तो यहाँ पर 7% बराबर 28, तो अगर मैं 23 में 7% जोड़ दूँ तो पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर 30% जो होगी वो पासिंग मार्क्स होंगे, सॉरी पासिंग परसेंटेज होगी। अगर यहाँ पर देखा जाए, चाहे हम इस वाले से भी देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 20 है, 20 मार्क्स से ज़्यादा आ रहे हैं, हमें कम करना पड़ेगा, तो हमें क्योंकि हमें पासिंग परसेंटेज देखना है। तो 1% की वैल्यू कितनी है, 4 है, 1% की वैल्यू यहाँ पर देखिए ये 4 है, तो यहाँ पर हमें 20 मार्क्स, तो मैं अगर 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 5% बराबर हो जाएगा 20 का। तो 5% अगर मैं 35 में से माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा, 30%। तो यहाँ से भी देखिए हमारा 30% यहाँ से भी आ गया। तो इस तरीके से हमें मैक्सिमम मार्क्स पता पड़ गए 400, और पासिंग परसेंटेज पता पड़ गई
30%। अब यहाँ पे पूछा गया है पासिंग मार्क्स कितने होंगे। अब आप देखिए पासिंग मार्क्स कितना, 30% आपको पता पड़ रहा है यहाँ पर, और ये कितना है, 400 है। तो बस यहाँ से आप निकाल सकते हो आराम से कितना आ जाएगा, 120, क्योंकि 1% की वैल्यू जो है वो, 1% की वैल्यू यहाँ पर 4 है, 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। 1% की वैल्यू 4 है, 30% में हम पास हो रहे हैं, तो 30 का मल्टीप्लाई करूँगा मैं इधर और इधर, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये हमारी पासिंग मार्क्स हो गई। तो ये हम तीनों ही जो है वो निकाल सके हैं। इनमें से आपको एक क्वेश्चन जो है वो, या तो आपको इनमें से तीनों में से एक जो है वो आपको निकालने के लिए पूछा जाता है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और पहले खुद से ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने ऊपर वाला ही कराया है, बस उसी से थोड़ा ने घुमा दिया क्वेश्चन को। तो वीडियो को पॉज कीजिए और तीनों चीज़ें जो है वो ईमानदारी के साथ निकालिए, ठीक है। तो आई होप आपने ये तीनों चीज़ें निकाल ली होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक छात्र को एक टेस्ट में 240 अंक मिले और वह 6% अंक से असफल रहा, यानी 6% से वो फेल हो जाता है। दूसरे छात्र को 310 अंक मिले और वह 4% अंक से पास हो जाता है। तो इनमें से आपको ये चीज़ें निकालनी है। तो देखिए वही हम करने वाले हैं, 0 से 100% जो है वो हमारे मार्क्स रहेंगे। एक को मिलते हैं 240 और एक को मिलते हैं 310। तो यहाँ पर हमें कोई जो है वो पासिंग मार्क्स है, ठीक है। अगर मैं 6% और ला दूँ तो मैं पास हो जाऊँगा, क्योंकि वो 6% से जो है वो पीछे रहा है, असफल रहा है। वहीं अगर मैं इस वाली संख्या में 310 वाली संख्या जो है वो 4% अगर मैं पीछे ले लूँ, तो मुझे जो है वो यहाँ पर 4% जो है वो पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस देखिए, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, तो ये हो जाएगा 240 ही है, तो ये हो जाएगा 70। ओके, 70 इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे ये कितना है, 10 के बराबर, तो 10% बराबर हो जाएगा 70। तो यहाँ से देखिए ये कितना आ जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 7। तो यहाँ से हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो सीधी बात है, 10% बराबर 70 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 700। एक एक जीरो और चिपका देंगे तो 100% बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे मैक्सिमम मार्क्स कितने निकले, 700 निकले। तो ये हमारी पहली जो है वो ए ऑप्शन जो है वो हमारा, ये निकालना था हमें, वो निकल आया। आगे क्या बोला गया, पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स पूछा गया है। अब आपको पता है यहाँ पर कि 1% की वैल्यू जो है वो 7 के बराबर है, तो 6% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42 हो जाएगी। 1% की 7 की, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ, तो 7 6 42। अब मैं यहाँ पर 240 में 42 जोड़ दूंगा, तो मुझे क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे मेरे, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 282। तो 282 जो है मुझे पासिंग मार्क्स चाहिए अगर मुझे एग्जाम में पास होना है, ठीक है। चाहे आप इससे भी देख सकते थे, यहाँ पर 4% है, 1 की वैल्यू 7 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी, ठीक है। और 28 में अगर मैं 310 में से माइनस कर दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 282, ठीक है, 282। तो इससे भी कर सकते थे, ठीक है। अब ये चीज़ निकाली, अब हम लास्ट चीज़ निकालते हैं यहाँ पर, पासिंग परसेंटेज, ठीक है भाई, पासिंग परसेंटेज निकालना है। अब यहाँ पे देखिए पासिंग परसेंटेज आप किस तरीके से निकालोगे, तो हमें पता पड़ गया कि यहाँ से देखिए पासिंग परसेंटेज, ओके। तो यहाँ से हमें क्या पता पता, 282 जो है मुझे क्या मिले थे, ये पासिंग मार्क्स थे। हमें पता है टोटल मार्क्स 700 हैं, तो इस तरीके से 282/700×100, तो यहाँ से हमें पासिंग परसेंटेज जो है वो पता पड़ जाएगी, कितनी आ जाएगा, 7 चौक 28, 0.7×14, तो ये आ जाएगा 40.28%। तो ये मुझे जो है वो पासिंग मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये आपको तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी पूछ ले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि मशीनरी पर 40%, इमारत पर 25%, कच्चे माल पर 15% और फर्नीचर पर 5% खर्चने के बाद
एक छोटे पैमाने पर उद्योग के मालिक के पास कितना बचता है? 1,30,500। इतने रुपए बचे हैं जब वह कितना खर्च कर देता है? इतना खर्च कर देता है। देखिए, इसने माल मशीनरी पे किए 40%, इमारत पे किए 25%, माल पे किए 15%, फर्नीचर पर कर दिए इसने भाई 5%। तो टोटल परसेंट देख लेंगे यहाँ पर कितना खर्च किया है उसने। तो यहाँ से देखिए, 5 15 और 6 7 और 8, ओके, तो 85। तो 85% जो है इसने बाकी चीज़ों पर खर्च कर दिया है। अब हमने क्या माना, 100% मान के चलना है। तो 100% में से जो है उसने 85% खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 15%। अब जो 15% बचा हुआ है वो किसके बराबर है? 1,30,500 के बराबर है, क्योंकि इसने बोला है कि खर्चने के बाद जो है वो उसके मालिक के पास कितने रुपए बचते हैं, 1,30,500। तो जो कि 15% है, तो बस यहाँ से 15% बराबर हो जाएगा 1,30,500। तो यहाँ से हमें टोटल जो है वो उसके पास कितने रुपए थे वो निकालना है। अब आपको पता है कि यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 18 120 और 15 17 105, ओके, और 00। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8,700। 100% की निकालना है, 2 0 इधर चिपका दो और 2 0 इधर चिपका दो, तो 100% की वैल्यू निकाल आ जाएगी। तो 100% कितना हो गया भाई, 8,70,000। तो यहाँ से देखिए, इसका आंसर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन देख के क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, कि वैशाली ने अपने घर के लिए एयर कंडीशनर पर जो है वो कितने, 31,897, प्लाज्मा टेलीविजन खरीदने पर जो है वो उसने 38,789 खर्च किए, और कुल राशि का 23% उसके पास नगद के रूप में शेष बचा है। ठीक है, नगद के रूप में शेष बचा है 23%, तो उसकी कुल राशि क्या थी? तो भाई उसके पास 23% बचा हुआ है, हम 100% मान के कोई चीज़ चलते हैं, 23% जो है वो उसके पास बचा हुआ है, तो उसने कितना खर्च कर दिया, 77% खर्च कर दिया कि नहीं कर दिया? अब 77% जो है वो ये किया है वो किसके बराबर है, कि भाई एयर कंडीशनर और टेलीविजन, इन दोनों का जो टोटल खर्च है वो 77% है। तो बस इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं और 77% के बराबर कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 8 6 0 7, ओके, तो इतना आ गया हमारा 70,686। तो ये 77% के बराबर है, 70,686। तो 1% की यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब आप इसे डिवाइड करोगे ना, तो 918,918 जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब 1% की वैल्यू आपको पता है 918 है, तो 100% की कितनी हो जाएगी, 2 0 इधर चिपका दो, 2 0 इधर चिपका दो, तो भाई इतनी आ जाएगी, 91,800। तो टोटल उसके पास जो राशि थी वो थी सी ऑप्शन, जो है इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कि एक आदमी ने अपने मासिक कमाई का 20% घर के किराए पर खर्च कर दिया, उन्होंने शेष राशि का 75% अन्य घर के खर्चे पर खर्च कर लिया। अगर महीने के अंत में 250 रुपये बचे हैं, तो आदमी की मासिक कमाई कितनी है? ठीक है, मासिक कमाई पूछी गई है कि भाई कितनी है उसके पास। तो देखो यहाँ पर टोटल राशि, देखिए आपको बता दूँ, उसकी इनकम थी, ठीक है, ये इनकम मैंने आई से मान लिया। अब उसने 20% जो है वो घर के किराए पे खर्च कर दिया। 20% कितना होता है, 1/5 होता है कि नहीं होता? जब उसने राशि का 1/5 खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना, 4/5। ठीक है, ये मैं पहले से ही बता चुका हूँ सब कुछ चीज़ें, कि किस तरीके से क्या बचा है, क्या खर्च किया है, तो 4/5 जो है उसके पास बचा है। अब ये जो बचा हुआ है उसमें से शेष में से जो है 75% जो है उसने अन्य पर खर्च कर दिया। अब 75% कितना होता है, 75% होता है 3/4, ठीक है, 3/4 होता है।
अब इसने 3/4 खर्च कर दिया तो बचा हुआ कितना, 1/4, तो इंटू 1/4, तो ये बचा हुआ है टोटल वो किसके बराबर है, 250 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है कि जो है अगर महीने के अंत में जो है उसे 250 रुपये बचते हैं तो यहाँ से हम निकाल देंगे। देखिए 0 4 से 4 गया, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 250 में, तो ये कितना हो जाएगा 1250। तो इनकम कितनी आ गई भाई, 1250 आ गई। ठीक है, इस तरीके से निकालना था। बाकी फिर अगर आप कैलकुलेशन बढ़ाना चाहते थे, मान के 100% मान के चलते, तो 20% भाई इसने खर्च कर दिया, बचा 80%, और फिर 80% का जो है वो 75% जो है वो खर्च करेगा, तो 75 खर्च करेगा भाई, तो फिर 75 आप निकालते इसका, फिर जो बच, फिर जो जो इसकी वैल्यू निकलती, फिर 80% में से माइनस करते, फिर उसके बाद जो बचता उसको बाद 250 के बराबर करते, तो कैलकुलेशन में आपको कहीं भी मिस्टेक हो सकती थी। तो इससे हमें फ्रैक्शन जो हमने किया तो इससे हमें आसानी हो गई कैलकुलेशन भी करने में, और जो है वो हमें कम समय में मिला, तो वही हमें चीज़ करनी है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्रियंका ने एक चॉकलेट का डिब्बा खरीदा और उसने उसका 1/4वां हिस्सा खा लिया, 1/4वां हिस्सा खा लिया। देखिए यहीं से मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से समझा, 1/4वां हिस्सा खा लिया उसने, तो बचा हुआ शेष कितना हो जाएगा, 3/4, ये शेष बचा हुआ है, ध्यान रखना। बाकी बची हुई चॉकलेट का 33.33% हिस्सा उसने अपने दोस्तों में बांट दिया। ठीक है, 33.33, यानी इसका जो है वो 1/3 हिस्सा जो है उसने अपने दोस्तों में बांट दिया, क्योंकि यहाँ पर 33.33% कितना होता है फ्रैक्शन में, 1/3 होता है, तो बचा हुआ कितना, 2/3 बचा इसका मल्टीपल। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 3/4 × 2/3, ठीक है, इतना बचा। आगे क्या बोला गया कि फिर बकाया चॉकलेट का 20% हिस्सा, अब 20% कितना होता है, 1/5 होता है, इतना हिस्सा फिर दे दिया उसने, तो इसमें से बचा कितना, 4/5, ठीक है, 4/5 बचा, जो कि आगे देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, मैं इसे हटा रहा हूँ। अगर अगर अब उसके पास कितनी 48 चॉकलेट बची हैं, तो बताइए उसके डिब्बे में कुल कितनी चॉकलेट थी, तो ये जो बचा हुआ है वो किसके बराबर कर देता हूँ, 48 के बराबर कर देता हूँ भाई। तो यहाँ से देखिए 4 से 4 ये गया, 3 से 3 कट गया, 5 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 2 नीचे पहुंच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 4, फिर इससे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 6 20, 7 16 का 2, 5 2 10 और 2 12, यानी 120। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, 120 चॉकलेट थी उसके डिब्बे में। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया एक बार फिर देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कर्मचारी अपने वेतन का 20% हिस्सा किराया देने में, बचे हुए में से 20% हिस्सा खाने पर व बचे हुए में से 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। अगर वह बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च करता है, 5120 रुपये खर्च करता है, तो उसके द्वारा खाने पर किया गया खर्च ज्ञात कीजिए। ठीक है, खाने पर किया गया खर्च जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए निकाल लेते हैं भाई, खाने पर जो है उसने कितना खर्च किया है। तो हम यहाँ पर जो है वो चिल्ड्रन की एजुकेशन और जो फूड खाने का खर्च, दोनों का रेशियो निकाल देंगे। देखिए चिल्ड्रन जो है वो बच्चों, चिल्ड्रन की एजुकेशन और फूड, तो इन दोनों का हम रेशियो निकालते हैं। पहले तो आपको पता है कि 20% उसने किराए पे दिया, तो 20% किराए पे दिया मतलब 1/5, तो बचा हुआ कितना उसके पास, 4/5। ठीक है, ये मेंटली आपको जो है वो ध्यान में रख के सॉल्व करना है। फिर क्या हुआ है, बचे हुए हिस्से में से उसने क्या हुआ, खाने पे खर्च किया है, तो खाने पे खर्च हुआ है, मैंने बताया खाने का तो ये 12 स्लॉट है, तो बचे हुआ हमारा ये है, तो इधर हम 4/5 × बचा हुआ कितना है, इतना है, और इस पे जो है वो 20% जो है वो खर्च किया है, मतलब 1/5, यहाँ पर शेष नहीं करना है हमें, क्योंकि ये हमारी अलग ही वैल्यू है पूरी।
अब यहाँ पर देखोगे इस तरफ कितना बचा हुआ, फिर बचा 4/5। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया है कि बच्चों की शिक्षा पर जो है उसने 20% फिर से खर्च किया, तो बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया है यानी ये वाली चीज़ों पर, क्योंकि हमें फूड का तो हमें अलग से पूरा ये पता पड़ गया कि भाई इतना जो है वो बचा हुआ था, इसने उसका 20% जो है वो फूड पे खर्च कर दिया, तो बाकी चीज़ें यहाँ पर हमें कैलकुलेट करनी है। तो शिक्षा पर कितना खर्च हुआ, 1/5, 20%। ठीक है, तो यहाँ से हमें दोनों का रेशियो मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए इससे ये कट गया और इससे ये कट जाएगा। ओके, 1/5, 1/5, 4/5, 4/5। तो यहाँ से चिल्ड्रन की एजुकेशन और फूड पर हमें जो है वो रेशियो मिल गया 4:5। तो चिल्ड्रन की एजुकेशन और फूड 4:5 मिल गया। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि उसने जो है वो शिक्षा पर खर्च किया है, तो शिक्षा पर मतलब 4 के बराबर खर्च किया है, क्योंकि 4 की वैल्यू है, तो 4 के बराबर कितने हो जाएगा, 5120। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 4 2 8, 4 8 32 यानी 1280। तो यहाँ पर निकालना क्या है हमें, उसके द्वारा खाने पर यानी फूड पर, तो फूड की हमारी कितनी वैल्यू है, 5 है, 1 की वैल्यू 1280 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम दोनों तरफ, तो यहाँ से 0 0 10 4 और 6 यानी 6400। तो भाई इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6400 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आराम से समझते हैं। एक यादव जी हैं और अपने मासिक वेतन का जो है वो 60% भाग खाद्य पदार्थ पर व बकाया राशि का 50% भाग कपड़ों पर व बकाया यात्रा। अच्छा, जो 50% है वो कपड़ों व यात्रा पर खर्च करते हैं, ठीक है, बकाया राशि को बचा लेते हैं, और उसकी सालाना बचत कितनी हो जाती है, भाई सालाना बचत हो जाती है 48,456 रुपये। तो उसके द्वारा कपड़ों पर आवाजाही पर किया गया मासिक खर्च कितना होगा, कपड़ों पर यानी आवाजाही मतलब यात्रा पर, ठीक है, जो कि 50% खर्च किया है। तो भाई हम निकाल लेते हैं, देखिए इसे तो हम सीधा 100% से निकाल लेंगे, आसान होगा। देखिए मैंने माना 100% कोई राशि है, इसका 60% भाई वो खाद्य पदार्थ पर खर्च कर लेता है, 60% खर्च करेगा तो बचा कितना, 40%। अब इस 40% का क्या करता है वो, 50% इसमें से जो है वो कपड़ों पर और आवाजाही यानी यात्रा पर खर्च कर लेता है, तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा, तो बचा कितना, 20% बचा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि उसकी सालाना जो है वो बचत कितनी है, अब ये तो मंथली है, तो सालाना मतलब 1 साल का, तो 1 साल का तो हमें निकालना नहीं है, मासिक निकालना है, तो 12 वर्ष, 12 के बराबर कर देंगे हम किसको, 48,456 के। ठीक है, तो यहाँ से हमें 1 महीने का निकल आएगा कितना, 1 महीने का ये निकलेगा हमारा 12 चौक 48 0 3 और 8 यानी 4,338। ओके, 300 नहीं, 4,038। अब आपको पता पड़ गया कि जो ये वाली जो मासिक वेतन निकली है वो 20% के बराबर है, क्योंकि ये हमारी जो है वो आवाजाही पे खर्च हुई थी 20%। ओके, और बचा हुआ था 20%, तो जाहिर सी बात है जब आपको पता है कि 20% की बराबर इतनी वैल्यू है, तो आवाजाही भी जो है वो बचा हुआ कितना है, 20% है, तो बस दोनों की वैल्यू ही समान है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4,038। ठीक है, अगर वहाँ पर 30% होती तो 30% का निकालते, अब दोनों की वैल्यू जब 20% के बराबर, 20% के बराबर जो है वो 4,038 दिया हुआ है, तो चाहे दूसरे 20% निकालो तो बराबर तो बिल वैल्यू रहेगी ना वही, तो बस इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन शायद दोबारा रिपीट हो गया है। ओके, ये फिर से वही आ गया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं अभी क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, अब आसान आसान से क्वेश्चन आ गए आपके लिए। चलिए देखिए, यहाँ पर अगर एक्स वाई से 33.33% ज़्यादा है तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर आपको पता पड़ रहा है 33% कितना होता है, 1/3, तो 1/3 है, तो जो कि अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3, क्योंकि 1/3 है।
अब यहाँ पे बोला गया है कि एक्स वाई से 33% ज़्यादा है, तो ज़्यादा मतलब एक और ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो जो है वो 33% आएगी, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे एक ज़्यादा है वाई से कितना, 333, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 33.33 आएगा जो कि ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 4/3। अब यहाँ पे पूछा गया है कि बाई एक्स से कितना प्रतिशत है, बाई एक्स का कितना प्रतिशत है, तो बाई तो हमारा 3 दिया हुआ है, एक्स कितना दिया हुआ है, 4, और इंटू 100, और है ये 1/4% में देखो कितना होता है, 2500, 25 का मल्टीप्लाई करोगे 3 में तो 75, तो 75% जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर ए बी से 50% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो यहीं पे हम रेशियो निकाल लेते हैं। ए अनुपात बी, 50% अधिक है ए बी से, तो 3:2 हो जाएगा, क्योंकि 50% मतलब 1/2 होता है, एक जोड़ेंगे तो 3, और बी की वैल्यू दी हुई है 2। ठीक है, अब पूछा गया है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो भाई कितना है, 1 है, किससे किससे पूछा गया है, ए से, ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3/3 × 100 कितना हो जाएगा, 33.33%, तो सी ऑप्शन जो है इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चलिए इस क्वेश्चन को आप तब तक कीजिए। ओके, तो इस क्वेश्चन तो देखते हैं आप, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर एक्स प्लस वाई का मान एक्स माइनस वाई से 25% अधिक है तो एक्स वाई से कितने प्रतिशत अधिक है, तो भाई सबसे पहले तो आपको एक्स अपॉन वाई का रेशियो पता होना चाहिए, या फिर कहा जाए कि एक्स और वाई की वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसे एक तो आपको बेसिक मेथड पता होगा कि भाई एक्स प्लस वाई अपॉन इक्वल टू एक्स माइनस वाई कितना है भाई, 125, 25% ज़्यादा है, तो 125/100 करोगे, इसको इधर लोगे, फिर ये कितना हो जाएगा, 5/4, फिर क्या करोगे, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5/4, फिर क्या करोगे, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, अगर आपको ये चीज़ें पता है फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना बिल्कुल भी, जो जबकि मैं पिछले वीडियो में जो सेकंड लेक्चर था उसमें मैं बता चुका हूँ कि जब भी आपको इस तरीके की वैल्यू दी हो तो आपको क्या अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले तो आपको पता है कि एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर 5/4, ये तो आपको पता है कि इतना तो आना ही है। अब यहाँ से एक्स की और वाई की हमें रेशियो चाहिए, तो एक्स अपॉन वाई, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि जब भी आपको ये वाली इस तरीके से वैल्यू दी हो, एक्स अपॉन वाई रेशियो निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ दो तो 9 आ जाएगा, और नीचे माइनस है तो इन दोनों को घटा दो तो नीचे आ जाएगा 1, तो सीधा सीधा हमारा ये आ गया एक्स अपॉन वाई का रेशियो 9:1। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर पूछा गया है एक्स वाई से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक पूछा है कितना प्रतिशत अधिक है, तो भाई कितना है, 9, 1 माइनस करोगे तो 8, अब वाई से, वाई की वैल्यू कितनी है, 1 है, इंटू 100 कर दोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 800% हो जाएगा, जो कि डीप ऑप्शन है जो इसका आंसर, तो 800% जो है वो ज़्यादा अधिक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को है वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए अब देखते हैं, अगर पी क्यू से 16.66% कम है तो पी सॉरी क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, पी अनुपात क्यू निकालते हैं आप, ये इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/6, ये मैं सब बता चुका हूँ आपको, याद होने जाए, ये वाली वैल्यू ना फ्रैक्शन में है, परसेंटेज में है, तो फ्रैक्शन में किस तरीके से वैल्यू आएंगी, ये चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, तो भाई अब ये पूछा है कि कम है, कितना कम है, 1, तो 5, और ये हो जाएगा 6। ठीक है, पी की और क्यू का हमें रेशियो आपने लिख गया। अब यहाँ पर पूछा गया है कि क्यू क्यू यानी ये पी से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी इससे कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना है भाई, 1 ज़्यादा है किससे, पी से, 5 × 100, तो कितना हो जाएगा, 20%, तो भाई 20% जो है इसका आंसर आ जाएगा।
सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को फिर से पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर एक्स से 20% अधिक और बाई से 25% कम बराबर है, ठीक है, तो एक्स बाई से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए एक्स 20% अधिक है, 20% अधिक मतलब फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 6/5, बराबर बाई के 20% कम है मतलब कितना, फ्रैक्शन 3/4। मैं पहले ही बता चुका हूँ ये वैल्यू, मैं अब दोबारा दोबारा नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं ये चीज़ें सब पहली वीडियो में जो है वो बता चुका हूँ, तो पहली वीडियो आप देख लीजिए किस तरीके से जो है ये वैल्यू आई है, ठीक है। तो यहाँ से भाई 2 बार ये चला जाएगा, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 2 का, और 5 ऊपर पहुँच जाएगा, और एक्स बाई यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारी जो एक्स अपॉन बाई रेशियो कितना आया, 5/8। अब यहाँ पे पूछा गया है एक्स बाई से कितना प्रतिशत कम है, एक्स बाई से कितना प्रतिशत कम है, 3, बाई से 8 × 100, तो 1/8 कितना होता है, 12.5%, 12.5% × 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 37.5%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर पी के 50% का मान क्यू के 66.66% के बराबर है, तो पी क्यू से कितना प्रतिशत अधिक है। सीधा सीधा बोला गया है कि पी का 50% मतलब 1/2 बराबर क्यू के 66.66% कितना होता है, 1/3 होता है, 33.33। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई और कर दूं तो 2/3 जो है वो इसका फ्रैक्शन होता है। ये चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए अभी तक बिल्कुल। अब यहाँ से पी क्यू का रेशियो आ जाएगा, 2 इधर पहुँचा देते हैं, क्यू को नीचे ले लेते हैं, पी अपॉन क्यू बराबर 4/3। अब पी जो है वो कितना प्रतिशत है, 1 किससे, 3/100, तो 33.33% जो है इसका आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि अगर पी क्यू का 75% है और क्यू आर का 120% है, तो पी आर से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, ठीक है, कम में या अधिक है, वो हम वैल्यू जब निकालेंगे पी और आर की तब हमें पता पड़ेगा कि कम है कि ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, पी जो है वो क्यू का कितना है, 75%, 75% कितना होता है फ्रैक्शन में, 3/4, और आगे क्या बोला गया है, क्यू आर का 120% है, तो क्यू आर का 120% फ्रैक्शन 6/5, 6/5, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, क्यू को इधर ले लेता हूँ, आर को इधर ले लेता हूँ नीचे, तो हमें क्या है, रेशियो मिल जाएंगे इन सब के, तो मैं इसको यहाँ से हटा के तो आर इधर आ जाएगा और क्यू इधर आ जाएगा, तो सबसे पहले हमें तीनों का रेशियो लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो कि इसकी 4 वैल्यू है क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर 6 है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को बराबर कर लेते हैं क्योंकि यही दोनों जो है वो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ, तो 3 का मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा, और इधर 2 का कर देता हूँ तो नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/10 हो जाएगी, और ये वाली कितनी हो जाएगी, 9/12। अब आपको पता है देखिए क्यू की वैल्यू बराबर होगी यहाँ पर 12/12, तो पी रेशियो क्यू रेशियो आर, तो पी की 9 है, क्यू की 12 है, और आर की जो है वो 10 है, तो पी क्यू आर, ओके। तो यहाँ से कितनी निकली, 9, 12 और 10, यहाँ से हमें तीनों का रेशियो पता पड़ गया। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि पी आर से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, तो भाई पी की वैल्यू तो 9 है और आर की वैल्यू 10 है, तो जाहिर सी बात है कम होगा, कितना कम है, 1 कम है, किससे, पी आर से 200, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10% लेस यानी कम, तो ए ऑप्शन जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी संख्या
में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 25% अधिक है, ठीक है, 25% अधिक है, तो कक्षा का कितना प्रतिशत लड़कियां हैं, कक्षा की कितना प्रतिशत लड़कियां हैं। तो भाई हम पहले तो जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं उन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो बॉयज़ जो है वो गर्ल्स से 25% अधिक है, मतलब 5/4, ये रेशियो आ जाएगा, वो फ्रैक्शन आ जाएगा। तो यहाँ से गर्ल्स मैं इधर ले लेता हूँ, तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो जो आएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 5:4। अब आगे क्या बोला गया है, तो कक्षा का कितना प्रतिशत लड़कियां हैं, तो भाई कक्षा का कितना प्रतिशत है, टोटल जो है वो कक्षा में कितने हैं, 9 है, लड़कियां कितनी हैं, 4 हैं, × 100, सॉरी ये टोटल यहाँ नीचे उल्टा कर दिया मैंने, लड़कियां हैं 4, टोटल है 9 × 100, ठीक है, क्योंकि हमें कक्षा का कितना प्रतिशत, कक्षा पूरी कक्षा का, तो पूरी कक्षा में कितने हैं, 9 है, लड़कियां हैं 4, तो इसीलिए हमने 4/9 किया। तो ये कितना होता है, 1/9 होता है, परसेंटेज में देखोगे इतना × 4, तो 44.44% जो है इसका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसी परीक्षा में ईशा को निशा से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, अगर उसी परीक्षा में ईशा को 80 अंक मिले हैं तो बताइए कि निशा को कितने अंक हासिल हुए हैं, ठीक है। तो देखिए ईशा और मैंने मान लिया इसको निशा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि 25% अधिक अंक प्राप्त किए किसने, ईशा को निशा से, ईशा जो है वो निशा से जो है उसने 25 अंक, तो इन दोनों का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 5:4। आई होप ये आपको अब तो आने लगा होगा, 25% अधिक है तो जाहिर सी बात है आप ऐसे करते कि ईशा इंटू निशा 125/100 करते, तो 5:4 करते, एन को इधर लेते, तो वो ही रेशियो यहाँ पे निकलता। तो ये चीज़ें आपको अब मेंटली आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से, इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, तो 5:4। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर उसी परीक्षा में ईशा को 80 अंक मिले हैं, ईशा को, अब यहाँ पर तो भाई अंक मिले हैं 5, लेकिन यहाँ पर 80 बोला गया है, तो भाई 5 के बराबर कर देते हैं 80, और हमें पूछा किसका गया है कि निशा के कितने अंक हैं, तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5 × 5, 5 × 31, तो एक की वैल्यू 16 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64, तो निशा के जो अंक हैं वो 64 हैं, तो डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए ए की आय 75,000 से 60,000 हो गई और बी की आय 60,000 से 75,000 हो गई, तो बी की आय की वृद्धि ए की आय की कमी का कितना प्रतिशत है। अब ए है भाई, उसको पहले 75,000 मिलते थे, ठीक है, तो मैं क्या है 0,0 हटा रहा हूँ, क्योंकि 0,0 सभी में लगी हुई है, तो अगर मैं 0 हटा दूंगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो सीधे मैंने कर दी 75 से जो है उसको 60 हो रहे हैं, ठीक है, और बी की जो है वो कितना हो रहा है, 60 से 75 हो रहा है, तो इसकी तो भाई कितनी घट रही है, इसकी घट रही है 15 और इसकी बढ़ रही है 15, तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि बी की आय की वृद्धि, यानी बी में जो वृद्धि हुई है, बी की आय की वृद्धि ए की आय की कमी का कितना प्रतिशत है, ए की आय की कमी का, यानी कमी तो इतनी है 15 और इसकी भी 15 है, तो यहाँ से देखिए 100%, 100% जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि एक्स का 8% बाई के 2% के समान है, तो एक्स का बाई एक्स का 200% किसके समान होगा। देखिए एक्स और वाई का रेशियो मिल जाएगा हमें यहाँ से, तो एक्स का 8% बराबर वाई के 2% के समान है, तो यहाँ से एक्स अनुपात वाई कितना मिल जाएगा हमें, 1:4 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला क्या गया है कि एक्स का 200%, अब ये एक्स है इसका 200% किसके समान होगा,
अगर मैं एक्स ए का, यहाँ से देखिए 200% निकालता हूँ इसका, तो 2 आएगा कि नहीं आएगा? एक्स का वैल्यू 1 है और इसका मैं 200% करता हूँ तो 2 गुना हो जाएगी, सीधी सीधी 200% है, तो एक्स की वैल्यू हमें 2 मिल गई। अब ये पूछा गया है कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं तो ये 2 वैल्यू जो है वो किसके समान है। तो देखिए अगर हम ए का देखें तो बाई का 10%, बाई कितनी है 4 है, इसका 10% देखोगे तो 0.4 आ रहा है, जबकि ये तो 2 है, तो ये वाली हमारी गलत हो जाएगी। इसी तरीके से बी ऑप्शन देखेंगे तो 4 का 16%, 16 चौक 64 यानी 6.4, तो ये भी गलत हो जाएगा, 0.64। ठीक है, अगर 80% देखते हैं, 4 का 80% तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 3.2 हो जाएगा, जबकि 2 वैल्यू है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर मैं 4 का 50% कर दूं यानी आधा कर दूं सीधा, तो कितना होता है, 2 होता है, तो बस डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, बाई का 50% है जो कि एक्स के 200% के समान है, तो बस इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 37.5% की वृद्धि के बाद संख्या 33 हो जाती है, तो संख्या क्या होगी? आसान सा क्वेश्चन है, 33.5%, 37.5%। तो सबसे पहले आपको इसको फ्रैक्शन देखना पड़ेगा, कितना होता है, 1/8, 1/8 होता है 12.5, 12.5, 12.5 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 37.5 होता है, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 3/8। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, तो ये मैं बार बार नहीं करने वाला, तो सीधा सीधा फ्रैक्शन हो जाएगा इतना। कोई वैल्यू है, मैंने मान लिया नंबर इंटू ये इसका 37.5%, अगर वृद्धि कर रहे हैं तो वृद्धि कर रहे हैं तो 3 की वृद्धि हो रही है, तो 11/8, ठीक है, तो एन इंटू 11/8 होगा क्योंकि वृद्धि की जा रही है, तो जो कि किसके बराबर है, 33 के, तो यहाँ से 3 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 24, तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1140 का 170% क्या होगा? अब देखिए वैसे तो आप निकाल दोगे इसको कि 1140 है उसका 170% निकालना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, 17 का मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें। अगर 17 थोड़ा कैलकुलेटिंग जो है को कैलकुलेशन हो जाए तो आप क्या करो, 170 है, मैंने क्या बताया, तोड़ लो 100% +50% +20%, ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इससे हमें आसानी होगी और कैलकुलेशन में कोई गलती भी चांस नहीं रहेगा कि मान लो जोड़ने घटाने में हमें गलती हो गई, तो 100% कितना होता है, 1140 होता है, 50% मतलब इसका आधा, तो 2 5 10, 2 7 14 और 0, ठीक है 570 हो जाएगा। 20% इसका, 20%, 20% कितना होता है, 1/5, तो 5 से इसमें डिवाइड कर दो, तो 5 से जब आप इसे डिवाइड करोगे, 5 दूने 10, 5 दूने 10, 5 8 40 यानी 228, अब इन तीनों को जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये 0 है तो लास्ट में तो यूनिट डिजिट 8 आने वाला है, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर लास्ट में यूनिट डिजिट 8 है, तो यानी ये ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। बाकी अगर ये 8 जो है वो यूनिट डिजिट बहुत सारे ऑप्शन में देता तो इन तीनों को जोड़ देते तो तब भी हमारा यही आंसर आता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन है दरअसल, कोई नहीं हम देख लेते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा, ये 2 क्वेश्चन आसान से क्वेश्चन है, इन्हें आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन मैं ऐसे करा चुका हूँ। ठीक है, तो इन क्वेश्चन के आंसर आपको बताना है क्या होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट है, वैसे ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए कि रुबीना ने अपने मासिक वेतन का 16% एक एनजीओ को दान करने का फैसला किया, दान के दिन उसने अपना फैसला जो है वो मन जो है उसका बदल गया और उसने जो है वो 6,567 रुपये दान कर दिए, जो कि उसके पहले तय की गई राशि का कितना है, 75% है, पहले तय की गई राशि का 75% है। ठीक है, तो रुबीना मासिक वेतन कितना है उसका,
अब आपको पता है कि 16% वो पहले दान कर रही थी। 16% फ्रैक्शन में देखोगे कितना होता है, 4/25। ठीक है, 4/25 होता है ये इनकम का, जो है वो 16% वो दान कर रही थी। ठीक है, इनकम का 16% मतलब 4/25 जो है वो दान कर रही थी, लेकिन उसका मन बदल गया और उसने जो है वो 75% दान किया, जो कि उसके पहले तय किए गए दान का 75% है। ओके, 75% जो ये दान करने जा रही थी, तो उसका मन बदल गया और उसने जो है वो इतने का दान किया जो कि 75% इस दान का है। तो 75% भाई इसका देख लेते हैं, 75% होता है फ्रैक्शन में 3/4, जो कि किसके बराबर है, 6,567 की। ठीक है, तो यहाँ से हमारी इनकम आ जाएगी, इसे कैलकुलेशन 4 से इसे कर दो और 3 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ, 3 × 6, 3 × 3 और 3 × 8 = 24, 3 × 27 तो 21/89। ठीक है, अब 25 का जब 21/89 में आप मल्टीप्लाई करोगे ना, 21/89 में 25 का मल्टीप्लाई करोगे, 25 का, तो लास्ट का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा लास्ट का यूनिट डिजिट, 5 × 45 = 5। तो भाई एक ही ऑप्शन ऐसा मिल रहा है जो कि बी ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, बाकी आप इसे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। एक आदमी के वेतन में 15% की वृद्धि हुई यदि उसका नया वेतन 1932 है, तो उनका मूल वेतन क्या था। ठीक है भाई, मूल वेतन क्या था, 15% की भाई उसकी वृद्धि हो गई, तो नया वेतन जो है वो उसका 1932 रुपये हो गया, तो इनकम थी उसकी, अब इसमें जो है वो 15% की वृद्धि होगी। 15% कितना होता है फ्रैक्शन में, 3/20 होता है, कितनी की हुई, 3 की वृद्धि, 23/20 हो जाएगा, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1932 के बराबर। तो भाई यहाँ से काट लेते हैं, अब इसे 23 का कितनी बार चला जाएगा, ये 84 टाइम चला जाएगा ये। ओके, 84 टाइम चला जाएगा, 3 तो 84 का जब 20 में मल्टीप्लाई करोगे इसे, 84 × 20 तो कितना हो जाएगा, 0, 8, 16, 1680, तो डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, 1680 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन और ऑलमोस्ट जो है हमारा परसेंटेज जो है वो फिनिश हो चुका है। अब आप किसी भी बुक को जो है वो लगाइए, क्वेश्चन वहाँ पर दिए होंगे, बाकी अगर आपको लगे कोई नया क्वेश्चन है जो यहाँ पर नहीं कराया गया है या कॉन्सेप्ट कुछ नया है, तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि इन लेक्चरों को आप पूरी तरह देखिए, ध्यान से समझिए, आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया आप दोबारा वीडियो को देखिए, कम से कम आपको एक वीडियो जो है वो 2 बार तो देखना है। ओके, तो जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और खुद के नोट्स बनाइए, जो मैं चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ वो अपनी भाषा में खुद के नोट्स बना लीजिएगा, यही जो है वो बेस्ट तरीका है। ओके, बाकी मैं ये वाली पीडीएफ के जो क्वेश्चन कराए हैं तीनों लेक्चर में, तो वो मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, तो जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो प्रैक्टिस भी कर सकते हो आप खुद से। ठीक है, अगर आंसर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो यहाँ से देख सकते हो वीडियो से। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, और आप मुझे सोशली जुड़ सकते हो, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला जो लेक्चर हमारे होने वाला है रेशियो पर आएगा, तो जैसे कि मैंने बोला था परसेंटेज फिर उसके बाद रेशियो, तो रेशियो से हम स्टार्ट करेंगे अब, तो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे।